हेलो दोस्तों, वेलकम टू आयजा क्रिएशन। और आज हम एक ट्यूलिप शलवार और बेबी डिज़ाइनर फ्रॉक बनाने जा रहे हैं। तो चलिए इसे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्यूलिप शलवार की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक फैब्रिक का पीस लिया है। ये जो पीस है हमारा, ये दो पीस पार्ट में है। इसके बाद ये उसकी क्लोज साइड हमने हमारी तरफ रखी है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पर बराबर से रखेंगे। यहाँ पे हमें नोक नहीं बनने देनी है। तो आप इस फैब्रिक को कुछ इस तरह से रखें कि यहाँ पे नोक ना बने। उसके बाद ये दूसरे वाले फैब्रिक को हम उठाकर इस तरह से उसके ऊपर रखेंगे। और इन दोनों के बीच में हमें थोड़ा गैप चाहिए। तो यहाँ पे हम 1 से 2 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का गैप लेंगे। अगर आप बड़े के लिए बना रहे हो तो आप 3 इंच का भी गैप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें पूरे में 1.5 इंच का गैप चाहिए। तो आप मेजर कर ले एक बार। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे शलवार की लेंथ लेंगे। यहाँ पे हम जो लेंथ ले रहे हैं वो विदाउट बेल्ट ले रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी लेंथ 18 इंच लेंगे और बाद में 2 इंच का यहाँ पे हम बेल्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम पूरे में 18 इंच पर निशान लगाएंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने पूरे में 18 इंच पर निशान लगा लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है कि इस निशान से बराबर से हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने कट कर लिया है और इस वाले पार्ट से हम बेल्ट निकालेंगे बाद में। इसके बाद हम क्या करेंगे कि क्रॉच के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रॉच के लिए विदाउट बेल्ट मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5.5 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगा देंगे, क्योंकि हम बाद में बेल्ट अटैच करेंगे तो 2 इंच का हमारा बेल्ट आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे 2 इंच का बेल्ट लगाएंगे और जो हमारी क्रॉच की लेंथ हो जाएंगी वो हमारी 7.5 इंच हो जाएंगी यहाँ पर। तो हमें 7.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे जिस तरह से हम क्रॉच के लिए गोलाई देते हैं, सेम हमें उसी तरह से यहाँ पर क्रॉच के लिए गोलाई दे देनी है और इसे भी कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे ओपन करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारी बन साइड है, तो हम यहाँ पर इसे भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है और ये हमारे 2 पार्ट रेडी है। तो हमारी ये ट्यूलिप शलवार कुछ इस तरह से बनेंगी। ये उसका एक पैर और यहाँ पे ये उसका दूसरा पैर। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक पैर की पूरे में सिलाई लगा लेंगे इस वाले पार्ट में, और सेम हम उसी तरह से इस वाले पार्ट में भी करेंगे, पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सिलाई लगा ली है, इस वाले पार्ट में भी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके आसत ज्वाइन करने हैं। तो आसन ज्वाइन करने के लिए हम एक पार्ट को सीधा रखेंगे और एक पार्ट को उसके ऊपर उल्टा कुछ इस तरह से रखेंगे। ये एक दूसरे के सामने आना चाहिए पार्ट हमारे। और इसे बराबर से करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से गोलाई में। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम ये 2 पॉइंटों को कुछ इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी शलवार के जो पोंचे हैं वो किस आसानी से बंध रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि हम जो बॉटम है वो यहाँ तक ओपन रखेंगे, इसीलिए हम दोनों साइड में 5-5 इंच पे मार्क करेंगे। तो आपको दोनों भी साइड में 5-5 इंच पे मार्क करना है, यहाँ तक हमारा खुला रहेगा।
इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमने एक कॉटन की वाइट कलर की लेस ली है, अब हम ये लेस इस तरह से यहाँ पर इस पर अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे लेस लगाने के लिए और पूरे में जहाँ तक हमने मार्क किया है वहाँ तक हम ये लेस लगा लेंगे। तो हमें इस पैर में भी इसी तरह से करना है और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऊपर की साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने लेस भी अटैच कर ली है जहाँ तक हमने मार्क किया था वहाँ तक, और ये हमारा ओपन है फिलहाल में और हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसे इस तरह से पकड़ते हुए, देख लीजिए हमने नीचे का पोर्शन छोड़ दिया है और ऊपर से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। सेम हम इस वाले पैर के लिए भी करेंगे कि इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेंगे। हमें जो नीचे का पार्ट है वो छोड़ देना है और ऊपर के पार्ट में सिलाई लगा लेनी है। तो हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है जहाँ तक हमने लेस लगाई है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि बेल्ट अटैच करेंगे। तो हमने बेल्ट के लिए यहाँ पे दो पीस लिए हैं। सबसे पहले हम उसका मेजरमेंट देख लेंगे। यहाँ पर हमने बेल्ट की लेंथ 4.5 इंच ली है और उसकी जो चौड़ाई है वो हमने 16 इंच ली है। तो हम क्या करेंगे ये दोनों साइड से सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर एक सेंट्रल में मार्क करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे हम और यहाँ पर हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पर हम प्लेट्स लेंगे। कुछ इस तरह से हमें प्लेट्स लेनी है ताकि हमारा बेल्ट बराबर से अटैच हो जाए और इस वाली साइड में भी हम एक दो प्लेट्स लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो हमारा बेल्ट का फैब्रिक है उसे इस तरह से पकड़ेंगे। देख लीजिए यहाँ पे इसे हमें सीधा रखना है और इसके ऊपर ये हमें उल्टा रखना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो मैं आपको ये रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा ली है पूरे में, इसे हमने सिल लिया है और यहाँ पर प्लेट्स भी लगा ली है और बेल्ट भी अटैच कर लिया है। और इतना वाला पोर्शन हमने इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए रखा है। अब हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इलास्टिक की जो लेंथ है हमारी वो हमने यहाँ पर 16 इंच ली है। ये हमारी सिलने के बाद 15 इंच ही आएंगी, 1 इंच सिलाई में जाएगा हमारा। इस सेफ्टी पिंच की मदद से हम इलास्टिक को इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक इंसर्ट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक पक्की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से जिगजैग में और जो हमने पार्ट ओपन रखा था हम वो भी सिल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी ट्यूलिप शलवार बनके रेडी है जो बहुत ही सुंदर बनी है। ये शलवार पहनने में भी बहुत कंफर्ट होती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि फ्रॉक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले ये दो पीस लिए हैं सेम फैब्रिक के। यहाँ पर इसका मेजरमेंट हम देख लेंगे। यहाँ पर हमने इसकी जो विड्थ है वो 15 इंच ली है यहाँ पर और इसकी जो लेंथ है वो हमने 10 इंच ली है। इसके बाद हमें क्या करना है कि इसे इस तरह से फोल्ड करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 4 फोल्ड हो चुका है हमारा। अब यहाँ पर हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर के लिए 4 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल के लिए भी हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा चेस्ट की मार्किंग रहेगी वो हम 6.5 इंच पे करेंगे और साथ ही साथ वेस्ट के लिए हम 6 इंच लेंगे। इस तरह इन दोनों निशानों को हम यहाँ पे मिला देंगे।
और जिस तरह से हम आर्म होल को थोड़ा सा राउंड शेप देते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे आर्म होल को राउंड शेप दे देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि नेक के लिए मार्किंग करना है। तो नेक की जो विड्थ है वो हम 1.75 इंच लेंगे, मतलब 2.25 इंच। और यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों की जो लेंथ है नेक की वो हम 2 इंच लेंगे और यहाँ पर इसे थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। अब हम इसके बाद यहाँ पे इन निशानों को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो फ्रंट का पार्ट है वो हम साइड में निकाल लेंगे और बराबर से इसे सेट कर देंगे। और यहाँ पे हुक बनाने के लिए 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ तक एक कट लगा देंगे। यहाँ पर हम बटन लगाने के लिए ये कट लगा रहे हैं। तो ये हमारा बैक का पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि स्टिचिंग को स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह की एक पट्टी लेंगे और यहाँ पर इस पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें क्या करना है कि छोटे छोटे कट लगाने हैं कि ये आराम से फोल्ड हो जाए पीछे की साइड में। तो इस तरह से हम पूरे में छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसे बैक साइड में इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने किस तरह से फोल्ड किया है। उसके बाद इसे थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ टर्न करते हुए हम यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि शोल्डर जॉइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक कपड़े को सीधा रखेंगे और एक कपड़े को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा ली है और शोल्डर भी जॉइन कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस तरह की एक क्रॉस की स्ट्रिप लेनी है और यहाँ पे गले पर इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे में हमें सिंगल में सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरे राउंड में हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और साथ ही साथ आर्म होल के लिए भी हम इसी तरह की क्रॉस वाली स्ट्रिप लेंगे और इस तरह से पूरे में सिंगल वाली सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं और उसके बाद ये जो स्ट्रिप है इसे अंदर की तरफ 3 टाइम फोल्ड करना है। 3 बार हमें फोल्ड करना है इस तरह और यहाँ पर ऊपर से पूरे में सिलाई लगा लेनी है। सेम हम गले के लिए भी करेंगे कि उसे 3 बार अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह की एक कॉटन की लेस लेंगे और यहाँ पे हमें गले पर लगानी है पूरी, जिस तरह से हमने राउंड शेप में गला कट किया है उसी तरह से हमें राउंड शेप में ये लेस लगानी है और स्लीव्स पर भी हम इसी तरह से ये लेस लगा लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे फ्रॉक का बॉटम वाला पार्ट है उसे हम रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह की 2 स्ट्रिप ली है। इसका मेजरमेंट आप देख लीजिए, इसकी जो लेंथ है हमारी वो हमारी 9 इंच है और इसकी जो विड्थ है हमारी वो हमारी पूरी 1 मीटर है, यानी कि 41 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें नीचे से दोनों पट्टियों को एक एक सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद हम क्या करेंगे कि बॉक्स प्लेट बनाने के लिए यहाँ पर 2-2 इंच पर पूरे स्ट्रिप में निशान लगा देंगे 2-2 इंच पर। तो हमें पूरे में 2 इंच पे निशान लगाने हैं कि हमें आगे इसमें बॉक्स प्लेट बनानी है, इसलिए हमारी प्लेट बराबर से बने, कम ज़्यादा ना हो जाए। उसके लिए हम पूरे कपड़े में सबसे पहले 2-2 इंच पे इस तरह का मार्क लगा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने पूरे में 2-2 इंच पे निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है
कि ये जो पहला वाला निशान हमने लगाया है उसे दूसरे वाले निशान पे रखना है, और इस तरह से मतलब एक प्लेट हमें सीधी रखनी है और एक प्लेट हमें उल्टी रखनी है। तो इस तरह करने से बराबर से हमारे बॉक्स बन जाएंगे। मतलब आप एक प्लेट सीधी रखें और एक प्लेट उल्टी रखकर इस तरह से बराबर से बॉक्स प्लेट बना लें। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बराबर से हमारे प्लेट्स बन रही है, और उसके बाद यहाँ पर एक सिलाई लगा लें और नीचे से इस तरह से फिनिशिंग में कपड़ा फोल्ड कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये लेस भी अटैच कर ली है। और साथ ही साथ हमने ये फ्रंट और बैक के बॉटम वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे हमने इधर भी सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हो कि बॉक्स भी बना लिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर भी इस तरह से लेस लगानी है, फ्रंट और बैक दोनों साइड में हमें लेस लगानी है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि इस कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखते हुए यहाँ पर पूरे में एक सिलाई लगा लेंगे, और सेम हमें इस वाले पार्ट में भी इसी तरह से करना है कि यहाँ पर इसे बराबर से रखते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इसे अटैच भी कर लिया है और लेस भी लगा ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है फाइनल में कि इस तरह की दो बन लेनी है और उसे इस तरह से अंदर की तरफ रखते हुए फाइनल में हमारे फ्रॉक पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो हम बराबर से इसे पकड़ते हुए यहाँ पर पूरे में लास्ट तक सिलाई लगा लेंगे। सेम हमें इस वाले पार्ट में भी करना है कि इस तरह से बराबर से पकड़ते हुए पूरे में सिलाई लगानी है। तो मैं ये आपको रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा फ्रॉक बनके रेडी है। अगर आपको हमारा ये बॉक्स प्लेट फ्रॉक और ट्यूलिप शलवार पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।